हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या होते हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस, मतलब जो लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं और लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि मतलब हमारे वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट का यही एक क्वेश्चन है कि सर वेबसाइट डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो हम यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या है कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं HTML5 की, देन CSS3 की, देन बूटस्ट्रैप की, देन जावास्क्रिप्ट की, देन jQuery की, देन वर्डप्रेस, देन फोटोशॉप। अब हम इन चीज़ों में देखेंगे कि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ों का कैसा कैसा यूज़ है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेबसाइट्स की। आप जो HTML है, HTML क्या काम करता है, हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा ऑन वेब पेजेस। जो क्या काम कर रहा है, सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेब पेजेस पे, वो किसका काम है, आपका HTML का। सपोज आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आपका ऑनलाइन ऑफिस है, एक आपका ऑफलाइन ऑफिस है। जब मैं ऑफलाइन ऑफिस को एज सच मतलब चालू करता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा ऑफलाइन ऑफिस में, सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक लैंड, एक जमीन जहां पे मेरा ऑफिस एग्जिस्ट करेगा। तो वो हमें ऑनलाइन ऑफिस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड होस्टिंग। कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको होस्टिंग, होस्टिंग हमें क्या दे रहा है, एक स्पेस। देन उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कोई हमसे बोलेगा इस स्पेस पे क्या बनने वाला है, दैट मीन्स मुझे नेम तो रखना पड़ेगा, मेरे ऑफिस का एक नेम प्लेट होगा, उसको क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड डोमेन। अब डोमेन होस्टिंग को हम मर्ज करेंगे, वो हम लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे मर्ज करते हैं, कैसे काम करेंगे उन चीजों पे। लेकिन हमें स्पेस किसने दिया, होस्टिंग ने। हमारे ऑफिस का नाम किसने रखा, एक नेम प्लेट, किसी को बताएं कि आप आइए मॉड्यूलेशन डिजिटल आइए, तो एक नेम प्लेट है, एक नाम है हमारा, तो नाम क्या है आपका, डोमेन। देन उसके बाद हम बात किस चीज की करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाने की। तो देखिए, जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते समय अगर मेरा स्ट्रक्चर ऑफिस का बन गया और सपोज मुझे स्टाफ रूम इधर से उधर करना था, तो मैं दीवार तो नहीं घिसका पाऊंगा। क्यों नहीं किसका पाऊंगा, क्यों, वो ईंटे पत्थर की बना दी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना दिया, डेट मीन्स मेरा इधर से उधर मूव ऑन नहीं होगा। तो जब हम बात करेंगे HTML की, तो हम HTML पर काम अभी नहीं करेंगे, क्यों, ये हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना देगा, कोड्स को इधर से उधर करने में फिर प्रॉब्लम्स होगी। तो हम किस चीज की बात करेंगे, फोटोशॉप की। किस चीज की बात करेंगे, फोटोशॉप। अब फोटोशॉप में क्या होगा आपका, अगर आप फोटोशॉप पे ऐसे डिजाइन करते हैं कोई भी चीज को, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां पे क्या है कि आप कोई भी दीवार को इधर से उधर मूव ऑन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका वो फोटो में है। तो जब स्ट्रक्चर आप फोटोशॉप में बनाने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन किससे करेंगे, HTML से। तो हमारा अब हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में हम डिजाइन कर लिए, एक टाइपोग्राफी पूरी बना ली, स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, मेरा ऑफिस दिखेगा कैसे, कौन कौन से मैं कंपोनेंट्स यूज करूं, सारी चीजें हमें डिजाइनिंग में क्लियरिफाई हो जाएंगे। हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप HTML में स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो ऑफिस का क्या हुआ, हमारे दीवार्स बनी, एक पिलर्स बने, तो वो किसकी वजह, किसकी हेल्प से बने, हमारे HTML5 की हेल्प से। अब हम बात करेंगे HTML5 ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, दीवार्स और आपके फर्श, जमीन, ऊपर छत, ये किसकी वजह से बने, आपके HTML5 की। अब ईटा होगा तभी आपका क्या होगा, पलस्तर होगा उस पर, तो डेट मीन्स HTML के एलिमेंट और स्ट्रक्चर होंगे और टैग होंगे, तभी हमारा क्या होगा, CSS वर्क करेगा। तो CSS क्या होता है, एक तरीके से पलस्तर कर देना, फर्श बना देना,
पेंट कर देना, दैट्स मीन्स डिजाइन कर देना। अच्छा सा डिजाइन कर दिया आपने अपने ऑफिस को विद हेल्प ऑफ CSS। तो HTML आपने देखा, देन उसके बाद आपने CSS देखा। CSS का यूज डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं हमारी। देन उसके बाद हम बूटस्ट्रैप 4 और 5 की बात करते हैं, वो उनमें वर्जन्स हैं। जैसे पर्दे आपके अच्छे हैं, एक बहुत अच्छे हैं, तो वो डिफरेंसेस है कि पुराना पर्दा कैसा होगा, नया पर्दा कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब CSS3 की बात कर रहे थे, तो CSS3 की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज क्या है, बूटस्ट्रैप। तो जब हम बूटस्ट्रैप की अगर बात करेंगे तो बूटस्ट्रैप क्या, आपकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। आप सपोज ऑफिस बनाए, ऑफिस में अगर कोई भी चीज की, जैसे कि सपोज आपको पर्दों की जरूरत है, तो आप बाहर से पैसे दिए और पर्दे खरीद के ले आए, तो वो क्या हुआ, एक पेड हुआ। आपने पैसे देके खरीद के लिया है, क्यों, आपका टाइम बचा, जल्दी से जल्दी आपका काम हो गया और आपका ऑफिस दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वो किसकी वजह से होगा, बूटस्ट्रैप की वजह से। हम क्या करेंगे, बाहर से कुछ कुछ लाइब्रेरीज लेके आएंगे और उनको इंटीग्रेट कर देंगे अपनी वेबसाइट में, तो जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छी और रिस्पॉन्सिव साइट हमें मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये फ्री सोर्स कोड है, आप इसके पेड नहीं है। वहाँ पे पढ़ दे के आप पैसे दे रहे हैं ऑफलाइन में, लेकिन इस ऑनलाइन में आपको इसके पैसे नहीं देने हैं, ये फ्री सोर्स है। देन उसके बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली लॉजिक्स को क्रिएट करता है। बटन्स को आपने देखे होंगे, आपके यहाँ बटन्स होते हैं ऑफिस में, हमने बटन्स लगाए, बटन्स को क्लिक किया, बटन आपका ओपन हुआ, बटन जैसे ही ओपन हुआ तो फैन आपका ऑन हुआ, तो डेट मीन्स वो वहाँ से वो बटन से लेके फैन तक का लॉजिक कैसे क्रिएट हुआ, वो लॉजिक्स हमारा क्रिएट करता है विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। देन जब आपका फैन ऑन हुआ, तो फैन तो आपने नहीं बनाया, फैन कहाँ से आया, बाजार से। डेट मीन्स जो फंक्शनैलिटी वाली चीज आप बाजार से लेके आए, वो चीज क्या है आपकी, jQuery। क्या है आपकी, jQuery। jQuery का काम क्या, jQuery क्या है, jQuery आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है jQuery। तो यहाँ पे हम jQuery में क्या देखते हैं, jQuery में हम फंक्शनैलिटी वाली चीज बाहर से लेके आते हैं, यहाँ पे हम डिजाइनिंग की चीज बाहर से लेके आएंगे, यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी की चीज बाहर से लेके आएंगे। तो CSS बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट jQuery की लाइब्रेरी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आई थिंक सो नहीं होगा, अगर होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। अब हम नीचे आते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, एक तरीके से आपका CMS है। CMS क्या होता है आपका, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तो आपने ऑफिस अपने अकॉर्डिंग बनाया, अब क्या होगा, इसमें ऑफिस आपको बना बनाया मिलेगा और एक स्पेस मिलेगा, आपको उसी के अंदर चेंजेस करना है, उसी के अंदर काम करना है। ऑफिस का जो टेबल होगा इधर से उधर खिसका लीजिए, लेकिन स्पेस उतना ही रहेगा आपका। डेट मीन्स आपको जो भी चीज़ें करनी है उसी दायरे में करनी है। तो रिस्ट्रिक्शंस, टूल्स पे काम है पूरा पूरा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। देन उसके बाद फोटोशॉप, फोटोशॉप हमने पहले ही आपको बता दिया था क्यों यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप का। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हुआ डिजाइनिंग का। अब एक वो होता ही, आपने ऑफिस बहुत अच्छा बना दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, कोई स्टूडेंट आया उसको डेमो ही नहीं मिले, तो आपके ऑफिस का क्या मतलब, जब तक बैकएंड में कोई काम ही नहीं हो रहा है तो ऑफिस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसको हमने रियल लाइफ में क्या दिया, अब पीछे बैकएंड में क्या काम हो रहा है, कोई स्टूडेंट अगर डेमो लेने आ रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि पीछे बैकएंड में क्या काम हो रहा है। तो डेवलपमेंट लाइक दिस, कि डेवलपमेंट में जो काम पीछे होता है वो किसी को नहीं पता, कि मतलब वो काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो बैकएंड का हुआ, का वर्किंग है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन वो दिखेगा नहीं, दैट मीन्स डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज करते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट में हमारी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, PHP, MySQL फ्रेमवर्क्स है, लारावेल एंड कोडिग्नाइटर।
इस चीज से हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे आप इन चीजों से भी नहीं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एज अ नॉन आईटी हैं तो आप इसमें घुसने का ये सबसे अच्छा एक तरीका है। आपके आईटी फील्ड में आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं आईटी में। तो यहाँ पे जब डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट में आपने देखा कि कोई स्टूडेंट आया ऑफलाइन ऑफिस में और बैठा, बैठने के बाद उसको डेमो नहीं मिल रहा, डेट मीन्स क्या है, बैकएंड में काम नहीं हो रहा। लेकिन अच्छा ऑफिस बनाने का फिर फायदा ही क्या जहां आपका काम ही ना हो। हमें क्या करना होता है, उधर काम भी करवाना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, डेवलपमेंट। सपोज आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट आ रहा है अभी क्या है, स्टैटिक है, लेकिन वो डेटाबेस से उठ के आ रहा है और आप उस कंटेंट को एवरी टाइम उस कंटेंट को चेंज कर सकें, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक। आप इजीली उन कंटेंटों को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्यों, बैकएंड से काम हो रहा है, आज नया अपडेट आया, आपने चेंज कर दिया, वो किस चीज का काम है, डेवलपमेंट का। अगर इससे भी नहीं क्लियर हो रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज आपने वेबसाइट्स देखी होगी, वेबसाइट्स में आपने फॉर्म्स देखे होंगे, फॉर्म्स पे जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, फिल करने के बाद वो डेटा मेल पे जाता है, बिदल व्हाट इज दिस, दिस इज अ डेवलपमेंट। जब आपका डेटा मेल पे जा रहा है, मेल पे जाने के बाद क्या हो रहा है, वो डेटा कैसे जा रहा है आपको नहीं पता, मेलर लगा हुआ है वो नहीं पता, तो वो क्या हुआ, डेवलपमेंट का पार्ट। मेल लगाने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। अब इसके बाद हम बात करें फ्रेमवर्क्स की। तो देखिए, पहले के टाइम में क्या हो रहा था, जब तक डिजाइन नहीं होगा तब तक उन चीजों पर क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक हमारा ऑफिस नहीं बनेगा तब तक उसमें एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे नहीं, क्यों, ऑफिस ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा फ्रेमवर्क्स आया, फ्रेमवर्क्स ने क्या बोला कि एमबीसी पे आपका काम करता है, किस पे काम करेगा ये, एमबीसी पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। मॉडल का काम मॉडल करेगा, व्यूअर का काम व्यू करेगा, कंट्रोलर का काम कंट्रोलर करेगा। कैसे, मॉडल में हमेशा रिलेटेड आएगा डेटाबेस से, डेटाबेस अपना काम खुद करता रहेगा, क्यों। अब हमने यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल लें तो ऑफिस बनेगा बनेगा, लेकिन अभी से हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है एक जगह लेके, क्यों, जैसी वो जगह बनेगी हम वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे। वो किसका काम हुआ, फ्रेमवर्क का। अब वहाँ पे आपका काम रुक नहीं रहा है, मॉडल अपना अपना काम करेगा, व्यू अपना काम करेगा और कंट्रोलर अपना काम करेगा, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल आईटी फील्ड में सबसे ज़्यादा बूम आपके लारावेल की है, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है अभी इंडस्ट्री में, सबको यूज़ है। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या अभी भी डिफरेंस समझ में नहीं आया, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। टू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय।